खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने काशी को दी 500 करोड़ की सौगात। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का किया उद्घाटन। सीएम योगी की जमकर तारीफ। पीएम मोदी ने थपथपाई योगी की पीठ। कहा कोरोना की दूसरी लहर को यूपी ने बहुत अच्छे से संभाला। राजद्रोह कानून को समाप्त करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले राहुल गांधी, आखिर इस कानून को समाप्त क्यों नहीं किया जा रहा। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश भर में किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कमलनाथ को सौंपी जा सकती है बड़ी जिम्मेदारी। बनाए जा सकते हैं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष। तो चलिए अब रुख करते हैं खबरों का। अल्मोड़ा में आज सांसद अजय टम्टा ने जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक की, जिसमें जनपद के स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और सांसदों के गोद लिए गांवों के विकास कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें जिले के सभी विभागों द्वारा अपने विभाग के बजट और विभागीय कार्यों का ब्यौरा दिया गया। सांसद संजय टम्टा ने कहा कि कोविड के कारण बैठक में देरी हुई है। बैठक में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा भी की गई है, जिसमें केंद्र की सड़क, विद्युत, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा कर योजनाओं को धरातल पर ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड के कारण से हमने काफ़ी लंबा समय, पिछली बार भी हुआ था, पिछली बैठक हमने ली थी अभी 3 महीने पहले, और अभी बैठक लिए चूँकि 19 तारीख से लोकसभा का सदन चलना है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 जिले हैं, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी होती है। आज अल्मोड़ा की बैठक पर पूरी तरीके से मनरेगा, हाइडल, सिंचाई, पानी और भारत सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, इन सभी की आज हमने समीक्षा बैठक की और दिशा निर्देश दिए हैं विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, कि किस प्रकार से हम विकास के लिए लगातार अग्रसर हों। और बाजपुर में एक चैनल पर बीजेपी प्रवक्ता के दिए गए बयान को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी के प्रवक्ता उत्तराखंड की जनता को भिकमंगा बताते हैं। ये प्रदेश की जनता का अपमान है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। आप नेता का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस चाहती है कि जनता को कोई सुविधा ना मिले, सुविधाओं पर वो सिर्फ अपना अधिकार समझते हैं। सरकारें वृद्ध विकलांग पेंशन देती हैं, तो क्या उन सारे वृद्ध और विकलांग भाइयों को भाजपा भिकमंगा मानती है। हमारे केजरीवाल जी आए थे और उन्होंने 300 यूनिट बिजली उत्तराखंड की जनता को फ्री देने का आश्वासन दिया सरकार आने पे। उससे बुखलाकर भाजपा के कुछ नेतागण यहाँ की जनता को भिकमंगा बोल रहे हैं, जनता भीख मांग रही है, भीख मांगी हो गई है, तो उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि यहाँ के विधायक, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के एमपी, जिनको कोई भी सिस्टम से बाहर 300 को क्या 3000 यूनिट भी बिजली फ्री मिल रही है और उस बिजली का सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। अगर एक प्रशासन आने वाला केजरीवाल जी की सरकार 300 यूनिट जनता को वो सुविधा 300 यूनिट बिजली की दे रही है, तो उसको वो भिकमंगा कह रहे हैं। तो मैं आम आदमी पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है, जिसके तहत चमोली जिले के कई ब्लॉकों में कैंप लगाकर लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। जोशीमठ ब्लॉक में लगभग 50 युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेने वालों में सबसे ज्यादा भूतपूर्व सैनिक शामिल है। लोगों का कहना है कि दिल्ली की तर्ज पर पहाड़ों का विकास हो, इसलिए वो आपसे जुड़ रहे हैं। आज हमारे जैसे जोशीमठ ब्लॉक में प्रदेश उपाध्यक्ष के उसमें मतलब सदस्यता अभियान चलाया गया, एक मुहिम चलाया गया कि आम आदमी पार्टी लड़कों ने इसमें ज्वाइनिंग किया है, अपनी इच्छा से ज्वाइनिंग किया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मतलब जितने भी हमारे उत्तराखंड के भाई हैं, युवा लोग हैं, वो आम आदमी में जुड़ें और उसका वो करें। मतलब देखिए, आज आम आदमी पार्टी ने जोशीमठ में सदस्यता अभियान शुरू किया है। देखिए कितनी भीड़ लगी है, इतने लोग जुड़ रहे हैं, दिल से जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोग बीजेपी और कांग्रेस से इतना परेशान हो चुके हैं
कि उन्होंने इतना लोगों को एक बोलते हैं ना जुमले के तौर पे दिया है कि लोग इतना परेशान हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे देखना, हम इस दावे के साथ कह सकते हैं आम आदमी पार्टी। हरिद्वार एसएसपी की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा पर रोक लगाए जाने को लेकर बैठक की गई। इस दौरान पुलिस के सभी अधिकारी वहां मौजूद रहे। एसएसपी ने सभी क्षेत्राधिकारियों, कोतवाली प्रभारी एवं थाना अध्यक्षों को निर्देश दिए कि जो भी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है उसका सख्ती के साथ पालन किया जाए। इसके साथ ही प्रदेश की सीमा पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की जाए। कल हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कांवड़ मेले का प्रतिबंध करने का निर्णय लिया गया है। उस संदर्भ में जो है हमारा आदरणीय डीजी महोदय द्वारा जो है कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखा है, उसमें फोर्स के बारे में और अन्य व्यवस्था जो हमें करना चाहिए उस वजह से जो है ये प्रतिबंध को जो है सफल तरीके से हम निस्तारित कर सकें उसके बारे में एक VC है। उसी संबंध में जो है आज हमने सभी SPs, हमारा सर्कल ऑफिसर्स और स्टेशन ऑफिसर के साथ हम एक मीटिंग आयोजित करी। उसी पॉइंटों में हमने चर्चा करी और उसमें किस प्रकार का एक्शन हमें लेना है ताकि लोगों को बीच में पहुंच के संदेश को हम पहुंचा सकते हैं कि अभी कोरोना जो विश्व महामारी का दौरान जो है कांवड़ मेला में आना उचित नहीं है, ये प्रतिबंध तय करके उसके लिए प्रचार प्रचार कैसा करना उसी बारे में हमने योजना बनाई और फोर्स कहाँ कहाँ कैसा कैसा तैनात करना, उनका ड्यूटी किस प्रकार करेगा। संयुक्त संघर्ष रेल ट्रेड यूनियन मोर्चे ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। यूनियन ने मांग की कि सिडकुल हरिद्वार में मजदूरों को नई भर्ती के लिए कोरोना टीका की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। मोर्चा के संयोजक गोविंद सिंह ने कहा कि हरिद्वार जिले में सिडकुल का एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें 2 लाख से अधिक मजदूर काम करते हैं। अक्सर जब मजदूरों को काम पर रखा जाता है तो मजदूरों का ESI कार्ड नहीं बनाया जाता जिसकी वजह से दुर्घटना होने के बाद उनका इलाज का खर्च उन्हें नहीं मिल पाता है, जिसको लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को आज ज्ञापन सौंपा गया। मॉनसून की पहली बारिश ने प्रशासन के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी है। हकीमपुर तुर्रा गांव में कई घर जलमग्न हो गए जिसके लिए स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है। ग्रामीणों का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर गांव में तालाब पर फैले अतिक्रमण को हटवा दिया गया था लेकिन उसकी साफ सफाई नहीं करवाई गई जिसकी वजह से पहली बारिश में ही कई घर पानी में डूब गए हैं। घरों में पानी भरने की सूचना मिलते ही तहसीलदार ने मौके का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा। सारा का सारा ऐसे ही बस काम करा, दो दो चार चार आदमी लगा है, जब किसी चला ये कभी बंद कर दे, कभी चला कभी बंद कर दे। तो अब पानी घरों में घुस रहा है जी, घरों में सारे में उधर सानियों में भी, इधर मुसलमानों में सारों में, इधर गड्ढो गड्ढो पानी हो रहा है यहाँ से। तो घरों में बहुत दिक्कत हो रही होगी? हाँ जी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। इधर जो है ना जो तालाब खुलवा का आ रहा है समस्या के समाधान के लिए, तो उसमें पानी भर गया जो पहली बरसात में ही, अब इसके बाद जो है कोई नाला बनने का प्रस्ताव जो है परमानेंट इलाज यही है कि कहीं को नाला बनकर इसका पानी जो है निकल जाए। उसका जो है अभी देखते हैं सर्वे करके कहाँ को पानी निकलने का रास्ता है। सर, दर्जनों गांव घर ऐसे हैं जिनमें पानी भरा पड़ा है, तो कच्चे घर भी है, घर बैठने की भी दिक्कत जो है समस्या सामने आ रही है, बैठ सकते हैं घर, तो उसको लेके उन घरों के लिए क्या प्रशासन की तरफ से हम ऐसा ना पंपिंग सेट मंगा कर उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन ये तो लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। अभी इतना लंबा जो है पानी कहाँ। नगर पंचायत क्षेत्र में बने कमरों का आवंटन एक दशक बीत जाने के बाद भी अभी तक जरूरतमंदों को नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि नगर पंचायत द्वारा 100 कमरों का इंदिरा आवास योजना के तहत निर्माण कराया गया था लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी अभी तक जरूरतमंदों को आवंटित नहीं किया गया है। वहीं इन कमरों में जुआरियों और शराबियों का जमावड़ा जरूर लगता है। नगर पंचायत अध्यक्ष लाल चंद्र सिंह का कहना है कि शीघ्र ही इन कमरों का आवंटन कर दिया जाएगा, कुछ तकनीकी समस्याएं थी जो अब दूर की जा रही हैं। सरकार का नया शासनादेश आ चुका है और इन मकानों को एक संस्था नियुक्त कर लोगों को आवंटित किया जाएगा। लालकुआ राजकीय इंटर कॉलेज में स्टाफ की कमी का आरोप लगाते हुए यूथ कांग्रेस ने विद्यालय का घेराव किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मौजूदा समय में लालकुआ के एकमात्र राजकीय इंटर कॉलेज में लंबे समय से बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई है, ऐसे में छात्र छात्राओं का भविष्य खराब हो रहा है। अध्यापकों की कमी है तो साथ ही साथ लंबे समय से प्रधानाध्यापक की नियुक्ति भी नहीं की गई है जिसकी वजह से विद्यालय के तमाम कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। आज हम सभी युवा साथी मिलकर
जो लालकुआ का राजकीय इंटर कॉलेज है, हम यहाँ पर पेड़ लगाने आए थे, पौधे लगाने आए थे, आम के कुछ पौधे लगाए हमने, क्योंकि जो बरसात का मौसम करीब है, अभी पेड़ लगाएंगे तो पेड़ उग भी जाएंगे। तो जब हम यहाँ आए तो विद्यालय में एंटर होते ही हमें तमाम तरह की जो असुविधाएं हैं उनका सामना करना पड़ा, जैसे कि यहाँ प्रिंसिपल नहीं है, पिछले लंबे समय से ना यहाँ प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई है। बहुत से अधिवक्ता ऐसे हैं जो प्रोफेसर यहाँ होने चाहिए थे, हिंदी के, रसायन विज्ञान के, समाजशास्त्र के, उनकी बहुत दिनों से मतलब अभी तक किसी की पोस्टिंग ही नहीं हुई है। फोर्थ क्लास के जो 9 पद हैं वो अभी तक रिक्त हैं, जिसकी सुध लेने वाले ना खंड शिक्षा अधिकारी जी हैं, ना जिला शिक्षा अधिकारी हैं, ना विधायक जी हैं, ना कोई प्रशासन है। पंतनगर में स्थित गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 2 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है, इसके साथ ही अचानक नौकरी से निकाले जाने का नोटिस भी जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी के आदर्श पुष्प विज्ञान केंद्र में कार्यरत 19 कर्मचारियों को निकाल दिया गया था, इसके साथ ही उनका 2 महीनों का वेतन भी नहीं दिया गया। ऐसे में आक्रोशित कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये सर, यहाँ पर मैं कार्यरत 1996 से कार्य कर रहा हूँ। आज को ये हुआ है कि ये 2 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही है, पैसा नहीं दे रहे हैं ये, और बैठा दिए गए, एकदम बैठा दिए गए। ये स्थितियाँ हमारे साथ बनी हुई हैं, तो स्थिति अनुसार से हम लोग क्या करते हैं। अब ये हमारे हम लोगों की उम्र भी हो चुकी है, तो कहाँ जाएँ इस समय बाल बच्चों को लेकर। तो ये पिछले माह मई से हमें वेतन नहीं दिया गया है, कई और क्या नाम है, हम जो अधिकारी से मांग करते हैं कि हमारा वेतन दिलाइए, तो कल हमने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि बजट का अभाव है जिसके कारण वेतन अभी नहीं मिल पाएगा। तो हमने ये कहा कि सर हमें करना क्या होगा फिर, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करके। बीती रात तीर्थ नगरी ऋषिकेश में नगर निगम के 14 कूड़ा वाहनों में तोड़फोड़ की गई। मामले की जानकारी मिलते ही अधिकारियों ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराकर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं नगर निगम प्रशासन ने चौकीदार की ड्यूटी कर रहे कर्मचारी को भी लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये किसी मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति द्वारा किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। देखिए, कल रात 12:30 बजे की आसपास तिथि के हिसाब से आज की तारीख हो गई है, तो उसमें आज सुबह मुझे जो है हमारा जो डोर टू डोर कलेक्शन है उसके मैनेजर है मिस्टर शशांक, उनके द्वारा बताया कि साहब नगर निगम की जो 14-20 गाड़ियां रहती हैं नगर निगम परिसर में, उसमें से 14 गाड़ियों के शीशे तोड़े हुए हैं, एक का दरवाज़ा भी टूटा हुआ। उसके तत्काल बाद मैंने अपने SNA को, अपनी टीम को बुला के मौका मुआयना करवाया और एक लिखित तहरीर पुलिस में दी है कि इसी तरह से हमारे नगर निगम परिसर में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 20 में से 14 वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और जिससे काफ़ी उसमें नुकसान हुआ है। उसके तुरंत बाद नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को भी हमने पत्र लिखे, उनसे भी मौका मुआयना और सर्वे उन्होंने कर लिया है, और सर्वे कराने के बाद क्योंकि ये अति आवश्यकीय सेवा है, गाड़ियों को हमने रवाना कर दिया है ताकि कूड़ा कचरा जो घरों से है, वार्डों से है, वो आता रहे, वो व्यवस्था सुचारू हो गई है। और जिस कर्मचारी जो चौकीदार है उसके द्वारा रात में किसी भी अधिकारी को, किसी भी नगर निगम के कर्मचारी को ये सूचना नहीं दी गई, नहीं बताया गया, तो प्रथम दृष्टया उसकी लापरवाही मानते हुए भी उसको तत्काल प्रभाव से आज निलंबित कर रहा हूँ, और इसमें जो अग्रिम कार्रवाई, क्योंकि विवेचना का विषय है, पुलिस द्वारा इसकी विवेचना की जाएगी। तो उसके बाद ऋषिकेश शहर में पिछले 20 सालों से लगातार कमजोर हो रही कांग्रेस के मजबूत होने की उम्मीद नजर आने लगी है। दरअसल सुधीर राय को कांग्रेस ने नगर कार्यकारी अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी दी है। संगठन में अहम जिम्मेदारी मिलने के बाद कांग्रेस भवन में उनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवा ही नहीं बल्कि पुराने समय के दिग्गज कांग्रेस नेता भी शामिल हुए। करीब 2 दशक के बाद कांग्रेस भवन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखाई दी। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ऋषिकेश में अपना जनाधार फिर से बढ़ा सकती है। ये इसका पहला चरण आपने देख लिया होगा कि समस्त लोग जो पहले रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, कांग्रेस की हो, NSYI की हो, वो आज सारी उपस्थिति यहाँ पे थी। मेरा सबसे आह्वान भी रहा है कि जैसे पहले की तरह जो है मजबूती कांग्रेस को प्रदान करते थे, अब फिर उसको मजबूती को प्रदान करेंगे। और जो 2022 विधानसभा चुनाव है, विधानसभा जो भी यहाँ का, वहीं ऋषिकेश के लोगों को अब पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ऋषिकेश क्षेत्र के 14 वार्डों के लिए करीब 67 करोड़ की पेयजल योजनाओं का शुभारंभ किया गया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल और मेयर अनीता ममगानी ने करोड़ों के पेयजल योजना का आज शुभारंभ किया। हमारे लिए, पूरे इस क्षेत्र के लिए बड़े हर्ष का विषय है
जो कि पानी के लिए लगातार जैसे गर्मी बढ़ती थी और पानी की बड़ी समस्या हो जाती थी। तो आज विश्व बैंक पोषित योजना जो हमारे वर्ल्ड बैंक की जो योजना थी पानी की, आज उस नलकूप का यहाँ पर शुभारम्भ करा। 68 करोड़ की लागत से ये बनने जा रहा है, जिससे हमारे 14 वार्ड जिसमें 50,000 की आबादी लाभान्वित होगी और उससे निश्चित तौर पर सभी को शुद्ध पेयजल पीने के लिए मिलेगा। अधिकारियों को लिए उसको निर्देशित किया है कि पानी को शुद्ध, उसकी गुणवत्ता, उसकी शुद्धता जिस तरह से कि स्वास्थ्य को देखते हुए पूरी तरह से बनी रहे, और जो घरों में जाने वाला पानी है उसका प्रेशर इतना होना चाहिए कि हर व्यक्ति मोटर नहीं लगा सकता है, तो बिना मोटर के वो हर किसी के छतों पे चढ़ जाए। ताकि को ध्यान आ रहा है कि पिछले बहुत वर्षों से इस योजना के लिए मैं प्रयासरत था। जब ये ग्रामीण क्षेत्र में था ये इलाका, उस टाइम से मैं इसमें प्रयासरत था। अब ये नगर निगम में जुड़ा है जो हमारा इलाका ग्रामीण क्षेत्र वाला, और 67 करोड़ की लागत से, अब आप देखिए शिवाजी नगर एक ऐसा मेरा इस विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था कि जहाँ बहुत प्रयास करने के बाद भी हम जल की स्थिति में नहीं ला पा रहे थे, लेकिन ऐसे इस योजना से पूरे क्षेत्र को आच्छादित जल के द्वारा किया जाएगा। और लगभग ये 30 साल की आगामी योजनाओं को दृष्टिगत ये काम हमने यहाँ से आज इसका शुभारंभ किया है, भूमि पूजन किया है। 5 जोन में ये बनने वाला काम, जिसमें 8 ट्यूबवेल लगेंगे, और जितनी जनता यहाँ की है, ये आने वाली जो 30 साल की जनरेशन है उसको दृष्टिगत हमने जल का जो आवश्यकता थी यहाँ की, उसके लिए हमने यहाँ प्रयास किया है, आज इसका शुभारंभ किया है। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसानों की सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो किसानों के बीच आकर उन्हें जागरूक करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में जो आज हालात हैं और जो सरकार है वो किसान विरोधी है। आने वाले चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि किसान परेशान है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही है सरकार, जिसका जवाब आगामी चुनाव में दिया जाएगा। शिष्टाचार भेंट थी, वो आए हैं, उनका सम्मान किया गया, सभी हमारे सभी भाई पदाधिकारी जितने थे संबंध ही उनका सम्मान कराया, संबंध ही वो करी। देखो किसान संगठन है, उस किसानों की एक ही बात है, सब चाहे किसान का कोई भी संगठन है, वो किसान का एक ही मुद्दा, सब एक ही मुद्दा, मिलकर ही लड़ाई लड़ी जाएगी, सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और जो भी समस्या किसान की, कामगार की, मजदूर की, बेरोजगार महिला की, बेरोजगार युवा की, जो भी समस्या होगी वहाँ ये कुछ नहीं है। मैं अपने लोगों के बीच में आने का जब मुझे मौका मिलता जब मैं किसानों के बीच में आता हूँ, और मेरा ये है कि मैं तो किसानों को जागरूक करने के लिए आता हूँ। अगर भाई ये जो आज हालात है, आज जो देश में सरकार चल, विकास नगर तहसील परिसर के बाहर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा प्रवक्ता ने उत्तराखंड वासियों को अपशब्द कहे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता का पुतला जलाया। आप नेताओं ने कहा कि भाजपा विधायक चैंपियन ने देवभूमि के लोगों का अपमान किया है। भाजपा की आदत सी बन गई है कि देवभूमि का अपमान करें। देवभूमि ने जो स्नेह भाजपा को दिया है वह उनसे हजम नहीं हो रहा है। अगर भाजपा प्रवक्ता ने देवभूमि वासियों से माफी नहीं मांगी तो कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन करेंगे। पूरा मामला ये जो 2 दिन पहले जो भाजपा प्रवक्ता ने उत्तराखंड के निवासियों के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, भिकमंगों का प्रयोग, उन्होंने कहा कि ये भिकमंगे हैं, और सिर्फ इसलिए कि माननीय केजरीवाल जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था और पुराने बिल माफ़ करने का वादा किया था, जो कि मौलिक अधिकार है, बिजली पानी किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है। केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जो उनको मौलिक अधिकार का पूरा भरपूर उपयोग करने देना चाहते हैं, लेकिन भाजपा इससे डर गई है, और मुझे लगता है इसी भय की वजह से उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि भाजपा की रीति नीति रही है कि उन्होंने हमेशा से ही उत्तराखंड के लोगों का अपमान किया है। इससे पहले भी आपने प्रकरण देखा होगा कुंवर प्रणव चैंपियन का, जिन्होंने उत्तराखंड के निवासियों के लिए बहुत ही गलत शब्दों का यूज किया था। ऐसे ही हमने 2-3 दिन पहले देखा कि भाजपा प्रवक्ता कैसे उत्तराखंड की जनता को भिखमंगा कह रहे हैं। कोई भी उत्तराखंड जो आत्मसम्मान से जी रहा है वो इस तरह के शब्दों का बिल्कुल भी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमारा यही कहना है कि अगर इस तरह के लोगों को भाजपा में जगह मिलती है तो हम उत्तराखंड में भाजपा सरकार को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, यहाँ पे उनका। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।